जिन निगमों के ऊपर उत्तराखंड प्रदेश को खड़ा करने की जिम्मेदारी थी, वो आज अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। जिन स्वायत्त संस्थाओं के सहारे सरकार प्रदेश में विकास को रफ्तार देना चाहती थी, वो सरकार पर ही बोझ बन गए हैं। अधिकांश निगमों की हालत तो ये हो गई है कि उनके पास अपने कर्मचारियों तक को सैलरी देने के पैसे नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बुरे हालात UPCL के हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये भी घाटे की मार झेल रहे हैं और सरकार पर बोझ बने हुए हैं। अभी लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट बता रही है तो करीब आधा दर्जन से अधिक निगमों की हालत, जो माली हालत है, बेहद ख़राब है। जबकि अगर सही नियोजन हो, सही ढंग से काम हो, प्रबंधन सही हो, नीतियाँ ठीक हों, तो मैं नहीं समझता कि इनको उबारा नहीं जा सकता। तो सरकार को इसमें ज़रूर कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए और स्वायत्त निकाय के नाम पर मनमानी पर रोक लगानी चाहिए। अधिकतर निगमों को हो रहे नुकसान के मामले में राज्य सरकार का अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये सब गलत नीति के तहत हुआ है, जिसमें निगमों को उनके असल काम से हटाकर अलग जिम्मेदारियां दी गई। इसके बाद ना तो ये निगम अतिरिक्त जिम्मेदारी ही संभाल सके और ना ही पूर्व में जिस काम के लिए इनकी स्थापना की गई थी उस काम को ये निगम संभाल सके। लिहाजा इसका खामियाजा उठाना पड़ा और आज सभी निगम घाटे में चल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि निगमों को जिस उद्देश्य के साथ बनाया जाता है उनको उस उद्देश्य से इतर नहीं ले जाना चाहिए। GMBN आपको मालूम है बहुत प्रॉफिट में चलने वाला निगम था, लेकिन जब हमने इनको शराब का काम और खनन का काम दिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा से हटा, और मुख्य धारा से हटने के बाद जब वापस मुख्य धारा में लाया गया तो काफ़ी घाटे में जाने का काम शुरू हो गया। क्योंकि वो वर्क कल्चर जिस कंसेप्ट के लिए वो बनाया गया था, उस कल्चर को हमने खुद ही डैमेज कर दिया उसको डाइवर्ट करके। आवश्यकता ये कि जो निगमों को गठन के पीछे जो उद्देश्य होता है, निगम को उसी ट्रैक पर चलना चाहिए, किसी दूसरे ट्रैक पर मैं समझता हूँ ले जाने से कहीं ना कहीं निगम के वास्तविक उद्देश्यों पे ये कुठा लगा होता है। उत्तराखंड के जिन निगमों को कभी लाभ का निगम कहा जाता था, आज वे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। जो निगम कभी मालामाल हुआ करते थे, आज वो ही सरकार पर बोझ बन गए हैं। ETV भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।